अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? ठीक। मैं क्या हुआ? आरटीएल स्टाफ में है। अच्छा। लाहौर स्टेशन पे हमारा जो है ना मसला है, गार्ड एसटी मैकेनिकल स्टाफ का, पूरे स्टेशन में कोई भी वाशरूम नहीं है इस्तेमाल के लिए। आप रेलवे के मुलाजिम हैं या मुलाजिम कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजिम हैं या पक्के मुलाजिम? पक्के। ठीक है। वाशरूम नहीं है पूरे स्टेशन पे, इन्होंने प्राइवेट कर दिया है, लेकिन स्टाफ के लिए कोई वाशरूम नहीं है पूरे स्टेशन पे। पूरे स्टेशन पे अभी यहाँ वॉशरूम कहाँ पे है? जो भी जो 50 रुपीस लेते हैं वो है। अच्छा, वो वाला है। उसके अलावा ये रिसेंट प्राइवेट हुए हैं इन्होंने सारे। हाँ, फिर आप किस तरह? मुझे गाड़ी में जब कोई गाड़ी आती है उसी में वॉशरूम, उस गाड़ी का वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे आप? जो भी आएगी यहाँ। तो अब आपको अगर जरूरत महसूस हो रही है वॉशरूम, तो गाड़ी का वेट करेंगे, तो आप यहाँ बैठ जाएंगे? अगर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी तो मैं इस्तेमाल कर लूँ? ये मसला है स्टाफ, जो काम कर रहे हैं वो भी रुक जाएगा और आप बस बैठे हैं? बस ऐसे है, ये मसला है वॉशरूम का। ऊपर कहीं बताया नहीं? बताया स्टेशन मास्टर को, वो कह रहा है जी वो 4 नंबर पे करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। ये किस तरह डिजाइन हुआ कि एक बुनियादी बेसिक सहूलत ही खत्म कर दी आपने स्टाफ के लिए? स्टाफ के लिए वेटिंग रूम को भी ताले लगा देते हैं ये, ताकि जो मुसाफिर हैं वो भी उधर जाएं प्राइवेट में। अच्छा, वेटिंग रूम भी बंद कर देते हैं। वेटिंग रूम ये इधर भी है, सामने भी है, वो देखे ताले लगे हुए हैं। ये खुला हुआ है, ये खुला होगा तो इस्तेमाल हो जाएगा, वरना बंद कर देते हैं जब कि वो प्राइवेट वाला इस्तेमाल हो। जारी बात है भाई, ठेका दिया है प्राइवेट, पैसे बुढ़िए शाह को, जो चोर था पूरी रेलवे का फैसलाबाद, जिसने पैसे खा लिए थे उसको ही दोबारा ये वॉशरूम का ठेके दे दिया। किसको दिया? बुग्गे शाह, जो मशहूर था ठेकेदार। अच्छा, उस पे इल्जाम क्या था? कि उसने जब फैसलाबाद ली थी, प्राइवेट हुई थी, तो उसके पैसे भी उसने रेल को पूरे दिए थे। दिए ही नहीं, तो फिर वो ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ? हुआ, उसके बाद फिर आ गया रेलवे में और उसने वॉशरूम का ठेका ले लिया। वॉशरूमों का ठेका ले लिया, ये कैसे हो गया? ये तो आप देखना, यही है मुल्क का निज़ाम सारा। हमारा तो ख्याल था कोई रेलवे बेहतर हो गया होगा, कोई रेलवे का पहिया चलागा, कोई मईशत चलेगी। यहाँ तो आप और कहानी सुना रहे हैं हमें। यही मसला है यहाँ जो है सारी। अब जो शालीमार है उसके लगेज जो हैं वो दोनों प्राइवेट है, रेलवे मुलाजम कोई अपना सामान बुक नहीं कर सकता, उसमें प्राइवेट ही करेंगे। ठेकेदार ठेके पे दे दिया लगेज सामान लोडिंग का, रेलवे के पास आए नहीं। अब वो रेलवे के पास नहीं है? एक था आज से, वो एक लगेज था, वो भी आज प्राइवेट पास चला गया। अब आपने अगर कोई अपना सामान भेजना है तो आपने पूरे पैसे दे के भेजना है। आपके लिए सहूलत खत्म। खत्म। आज मैं बुकिंग करवाने आया था फ्रिज के लिए। अच्छा। फैसलाबाद के लिए, लेकिन उन्होंने कहा जी वो खत्म, फैसलाबाद भिजवानी है। हाँ, तो वो उन्होंने कहा जी पैसे, कितने पैसे मांग रहे हैं? अब तो वो वजन होगा उसके हिसाब से, 4,000 या 3,000 जो भी होगा। पहले क्या सूरत हाल थी? फ्री पास पे फ्री होती थी, पास पे फ्री था, मतलब अब ये भी नहीं किया चले 50% कर दें वो नहीं है। कम अज कम जो रेलवे का मुलाजिम है वो जितनी प्राइवेट रूट या ट्रेन है उन पर 50% चले करते हैं आपके लिए। लेकिन कराची की गाड़ियों में सहूलत है, जैसे कोई दूसरी गाड़ियाँ तेजगाम है, इलामा इकबाल में, उसमें कोई जो रेलवे के हैं उसमें चले जाता है, लेकिन ये फैसलाबाद के लिए अब सहूलत ख़त्म हो गई है। इसका फ़ायदा क्या हुआ? ये वॉशरूम जो दे दिया ठेके पे 50 रुपये उस पर रख दिया, क्या रेलवे ने अपना इससे ये रेलवे बढ़ा लिया है, रेवेन्यू बढ़ा लिया? कोई नहीं बढ़ा। ये अगर रेलवे खुद करती तो रेवेन्यू बढ़ता, 30 रुपये रखते या 20 रुपये रखते, यही निज़ाम रेलवे करती तो प्रॉफिट में जाता बराह रास्त खुद। ठीक है, उनको 50 वो ले रहे हैं, मुसाफिर भी जो इकॉनमी क्लास का मुसाफिर है, अगर वो दो बच्चे या खुद जाना है तो उसके लिए तो 150 तो यही लग गया, फिर 150 बच्चा भी फ्री नहीं है उसमें। सही, ऐसी पिंडी रेल कार है, वो प्राइवेट है, वो पास भी नहीं चलाते, हाफ टिकट भी नहीं बनाते बच्चे की। ये बहुत सारे मसले हैं, सारे पैसे जेब से निकाले जा रहे हैं। हाँ, और उसमें रेलवे के खाते में कितने को आ रहे हैं, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे? वो तो जारी बात, एक दफ़ा आना है ना, उसके बाद तो उसने कमाने। फैसलाबाद से पैसे खा गया, वो यहाँ से कैसे देगा? यहाँ से भी खाएगा, बस ऐसे ही करेगा। ओहो, ये तो रेलवे का निज़ाम फिर बेहतर तो नहीं हुआ ना? बस तो मैं अभी पहले बात कर रहे थे हम, कोई ख्वाजा साद रफी के दौर में मसाइल हल हो गए थे। हाँ, उसके बाद फिर हालात खराब ही हुए। हाँ, उसके बाद फिर ये मसले मसाइल हल नहीं हुए। आपने स्टेशन मास्टर को अभी TL जो मुलाजम है उनको 2 माह हो गए सैलरी नहीं मिली, डेली वेजेस दो हैं सरकार, नहीं दिए पैसे उनको अभी तक नहीं मिली, जिनको ये पिछले महीने 15 को मिलनी थी। कुछ लोग हैं जिनको 3 महीने से नहीं मिली सैलरी। इन बुरे हालात में TLA मुलाजमी के साथ बड़ी ज्यादती है, FNCO के पास केस पड़ा है, वो अभी तक उसने किया ही नहीं। फिर वो कैसे मैनेज कर रहे हैं अपना, जितनी महंगाई है, वो कभी बिजली का मेरे से मांग रहे हैं, कभी किसी से मांग रहे हैं, कभी बच्चों की फीसें, दूध, घर का दाल चीनी का खर्चा, ऐसे हो रहा है। जो कन्फर्म लोग हैं उनसे पैसे मांग के गुजारा कर रहे हैं वो बेचारे TLA मुलाजमी। कितनी तादाद है मुलाजमी की?
ये लाहौर में कुछ 550-600 है। 550-600 बंदा? हाँ, और उन्होंने स्टे लिया हुआ है कि ये नौकरी से निकाल रहे थे लाहौर से, स्टे ले लिया उन्होंने। हाँ, मुल्तान से तो निकाल दिए इन्होंने। अच्छा। तो सीओ साहब से वो मिल के गए हैं परसों। ठीक है। वो जो निकाले हैं वो सीओ साहब कहते हैं आपका भी मसला हल करते हैं, जो मुल्तान डिवीजन उनका भी स्टे हुआ था हाईकोर्ट मुल्तान से। देखिए आप क्या करते हैं ये इंतजामिया, तो वो 550-600 बंदा जो है वो बेरोजगार हो जाएगा। हाँ, और उसकी 3-3 महीने की सैलरी पहले रुकी हुई है। हाँ, रुकी है, वो मिल जाएगी सैलरी निकालने के बाद। अभी तो ये तलवार लटक रही है उनको नौकरी निकालने के लिए, वो परेशान है सारे, और उनके बगैर काम भी नहीं चलेगा। वो सीएस वैकेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, जो वैकेंसियां खाली हैं उन पर उनको रखा हुआ है। बुनियादी तौर पर उनका काम क्या होता है? मेंटेनेंस, एसी का, इकानवी क्लास की कोचों का, धुलाई सफाई वाले भी हैं एसी में, सारी मेंटेनेंस का काम है। हाँ, सारा। तो वो 600 बंदा अगर फारिग कर दिया तो मेंटेनेंस कौन करेगा? होगा, लेकिन उससे अच्छे तरीके से नहीं होगा, निज़ाम बुरा हो जाएगा और बुरा हो जाएगा, इकॉनमी में सफर करने वाले के लिए तो अजाब बन जाएगा। बिल्कुल, ये तो मसाइल ही मसाइल हैं आपके। हाँ। आपकी तनख्वाह टाइम पे आ रही है कि नहीं आ रही? हमारी भी कोई 15 दिन लेट हो जाती है। क्यों? बस ये अभी हमारी 15 को मिलती है, हमें 29 तारीख को मिली है। मतलब उन्होंने 15 दिन नीचे लगा ली हैं। हाँ। अच्छा, इसकी शिकायत किसको की है? इसकी तो वो तंजीम यूनियन वगैरह ने सारे एहतजाज किए 4-5 दफ़ा, फ्रेम यूनियन ने, वर्कर यूनियन ने, सब ने, हर स्टेशन। कोई फायदा नहीं हुआ? तो हुआ कुछ नहीं अभी तक तो? नहीं, खुदा करे जी। हाँ, साहब देख लें आपको, मिनिस्टर है नहीं रेलवे का इस वक्त, किसी के पास तो चार्ज होगा ना? नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास है पोर्टफोलियो, उनके पास है। हाँ, इजाफी चार्ज किसी वजीर को दिया हुआ है? किसी को नहीं दिया हुआ। ओहो, तो प्राइम मिनिस्टर तो मसरूफ आदमी है ना यार। मसरूफ आदमी है वो, क्या क्या देखें बस वो आपको देखें बस मीडिया के थ्रू।